Prachi? In prime, starts at 2 p.m. Oh. And if you want to check in now, you need to pay half price. हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया था उज़्बेकिस्तान से बिश्केक किर्गिस्तान आने के लिए, और अब हम लोग किर्गिस्तान में खाली 24 आवर्स के लिए हैं। तो इस वीडियो में आपको उस पूरी जर्नी दिखाएंगे। और अभी हम लोग एक हॉस्टल में रुके हुए हैं, इस काफ़ी अच्छा हॉस्टल है। इसका नाम है फ्रीलैंडर ट्रैवल एंड वर्क हॉस्टल। मैं नाम नीचे डाल दूँगी, तुम लोग चेक कर लेना। उसके अलावा हम लोग आज निकल रहे हैं इसिकुल लेक के लिए एक टूर कंपनी के साथ। उसकी डिटेल्स मैं बताती हूँ तुम्हें। ओके जी, तो ये है हमारी टैक्सी जिसमें हम जा रहे हैं। इसका हम पे करें 10,000 किर्गिस्तानी सोम, विच इज़ प्रीटी मच इक्वल टू इंडियन रुपीज़। तो ये हैं हमारे ड्राइवर आज के लिए। ये हमारे साथ पूरा दिन रहेंगे, लेके जाएंगे, घुमाएंगे, वापस लेके आएंगे। आई थिंक एक बार ड्राइवर चेंज होगा शायद से, बट हाँ, हमारे पास पूरी टैक्सी आज खुद के लिए। मेजर रीज़न हमने टैक्सी करी क्योंकि हम यहाँ पे बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए हैं और लोकल ट्रांसपोर्ट में काफ़ी टाइम चला जाता है, तो इसीलिए अपनी खुद की टैक्सी कर ली हम लोगों ने। प्राची रेडी? तो हम लोग बस सिम कार्ड लेने के लिए रुके हैं। शायद से हम दोनों मिलके एक ही सिम कार्ड लेंगे क्योंकि एक ही दिन के लिए, तो दोनों मतलब मैनेज हो जाएगा, इतनी दिक्कत नहीं होगी। और यार एक चीज़ है कि ना, एक नई जगह पे होने की एक वाइब फर्स्ट टू डेज बिल्कुल अलग ही होती है। मतलब आपने कुछ इंटरनेट पे पढ़ा होता है, कुछ सुना होता है, कुछ ब्लॉग्स पढ़े होते हैं, बट जब आप आके एक्चुअली एक्सपीरियंस करते हो, दैट इज़ सो डिफरेंट। सिम कार्ड दे? ओके, थैंक यू। तो जी, हम लोग सिम कार्ड ले रहे हैं, कुछ 145 सोम का है, रफली लाइक 145 इंडियन रुपीज़। 8 GB डेटा मिल रहा है, एक हफ्ते के लिए वैलिड है। आई एम फ्रॉम इंडिया। इंडिया? या नोवी नज़र न्यू नेम नेम इन इंडिया। दा इंडिया नेवर हर्ड न्यू नेम इंडिया न्यू नेम भारत 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 हमने जिस ब्रांड का लिया है उसका नाम है OI। मैं आपको ये दिखा देती हूँ, कवर ये है। तो हम लोगों का जो ड्राइवर भैया है वो रुके थे यहाँ पे पेट्रोल भरवाने के लिए। यहाँ पे सारे पेट्रोल पंप्स के साथ एक छोटा सा मार्ट होगा जहाँ पे बेसिक चीज़ें मिलेंगी, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स, दैट्स इट। और हम लोगों ने दो चिप्स के पैकेट उठाए हैं। एक्चुअली काफ़ी महंगे आए हैं चिप्स के पैकेट, 186। बट ठीक है, एक मेरे को लग रहा है क्रैब वाला है ना, इसलिए नहीं आई डोंट नो, लाइक लेज ही है। अपना इंडिया में 20 रुपये का मिलता है, यहाँ पे थोड़ा महंगा है। ट्रिप चल रहा है और यहाँ पे ना लैंडस्केप पूरे लद्दाख, रफली लद्दाख जैसे हो गए हैं। मैं दिखाती हूँ तुम्हें, पीछे पूरे ऐसे ड्राई माउंटेन्स हैं और इस साइड पे पूरे स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं, तो मस्त लग रहा है। अंकल गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे हैं। ये इन्होंने यहाँ से, एक लेडी थी यहाँ पे पेट्रोल लेके रखती है, तो ये यहीं से पेट्रोल डलवा रहे हैं गाड़ी में। और बता रही हूँ ना, इस साइड पे, एक साइड पे बिल्कुल ड्राई माउंटेन्स हैं और यहाँ पे मेरे पीछे बिल्कुल स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं। अच्छा जी, तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, आई थिंक अभी आधा घंटा और लगेगा। और काफ़ी देर से हमें ऑलरेडी लेक जो है वो दिखनी शुरू हो गई थी। ये काफ़ी बड़ी लेक है, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट माउंटेन लेक इन द वर्ल्ड। तो पूरी 180 किलोमीटर के स्ट्रेच में है ये लेक,
और बस अभी हम लोग वॉशरूम रुके थे पेट्रोल पंप पे, यहाँ पे वॉशरूम्स मिल जाते हैं इजीली इस तरीके से, और आई थिंक बस आधे घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे। हाय से हाय, सो ही विल बी टेकिंग अस नाउ एंड ये हमें पूरा यहाँ पे जितना भी आसपास दिखाएंगे, दिस इज़ ऑल इंक्लूडेड इन 10,000 rupees। तो यहाँ पे म्यूजियम है, बीच है और दो तीन और जगहें हैं, सो ही विल बी टेकिंग अस अराउंड एंड देन ही विल बी ड्रॉपिंग अस बैक एज वेल। तो चलो, व्हाट्स योर नेम? नुरबे। ओके, पहुँच गए थे पर जहाँ पे ये हमें शोर पे लेके आए, ये जगह से इतना अच्छा नहीं नज़र आ रहा है। मैं दिखा देती हूँ कैसा, मैं वैसा भी नहीं बोलूँगी अच्छा नज़र आ रहा है, आज के अभी धूप हो रही है तो पूरा सिल्वर नज़र आ रहा है इंस्टेड ऑफ ब्लू। तो हमने उनको ऑनलाइन एक और जगह दिखाई है जहाँ पे वो हमें अब लेके जा रहे हैं, तो उस साइड से चल के देखते हैं कि कैसा दिखता है। तो अभी हम आए हैं म्यूज़े, विच इज़ बेसिकली म्यूज़ियम यहाँ पर, और यहाँ पे 500 rupees टिकट है, अंदर चल के देखते हैं। 5 PM पे बंद हो जाता है ये, तो ऑलरेडी 5-10 minutes बचे हैं, फटाफट चल के तुम्हें दिखाती हूँ ये जगह। हम लोग आ गए हैं जो जगह के बारे में बताई थी, बॉस्ट्री, एंड दिस इज़ द मेन प्लेस विच इज़ लाइक अ बीच एरिया, एंड यहाँ पे बड़ा सा जाइंट व्हील है विच इज़ क्लोज एज ऑफ नाउ, एंड आई डोंट थिंक सो ये सीजन है तभी लोग नहीं है, बट गर्मियों में जगह काफ़ी हैपनिंग होती है जितना मैंने फोटोज़ और वीडियोज़ में देखा था। बट इवन देन लाइक नाउ इट्स सनसेट टाइम, और ये जगह काफ़ी प्यारी दिख रही है, नो डाउट इट्स वेरी ब्यूटिफुल। और यहाँ पे जो सैंड भी है, इट्स अ पिंक सैंड, गुड मॉर्निंग। ओके, सो दिस इज़ आवर डे 2 इन बिश्केक, और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट एक्सप्लोर करने यहाँ की लोकल। सो मार्केट का नाम है ओश मार्केट, हमारी बस यानेक्स आने वाली है एंड जाके देखेंगे यहाँ की मार्केट कैसी है, उसके बाद विल बी हेडिंग ऑफ टू अलमाटी टुडे। तो चलो। अच्छा जी, तो हम लोग पहुंच गए हैं ओश मार्केट, और काफ़ी ऐसी भीड़ वाली मार्केट है जैसे अपने यहाँ पे पल्टन बाज़ार होता है देहरादून में, और जो लोकल बाज़ार होते हैं इट्स लाइक दैट। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। इतनी बड़ी मार्केट है, यहाँ पे सब कुछ है। अभी हम लोग एक सेक्शन में घुसे हैं जहाँ पे खाली ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, एंड दे लुक अमेजिंग। आई थिंक मैं थोड़ा बहुत खरीद के जाऊँगी, बट इट इज़ सो ह्यूज, लुक एट दिस, ये पूरा एरिया और आगे भी था, ये पूरा खाली ड्राई फ्रूट्स के लिए है। This is like honey mixed with, oh wait. So I got this. This is like honey mixed with fruits. And थोड़ा अच्छा सा दिख रहा था मुझे, तो मैंने ले लिया घर के लिए। अब मैं
आ गई हूँ फ्लावर मार्केट। यार यहाँ पे सारे कलर के रोजेज आए, सॉ वन लाइट पर्पल रोज, व्हिच आई एम गोना बाय। सो दिस इज द वन। डेफिनेटली इट्स नॉट चीप। एक रोज यहाँ पे 70 रुपए का है, व्हिच इज एक्सपेंसिव फॉर अ रोज। ड्राई फ्रूट्स काफ़ी सस्ते हैं, हमने ड्राई अंजीर और काफ़ी सारे उसमें मिक्स ड्राई फ्रूट्स हैं वो हमने लिए। 1 kg 100 सोम के, विच इज लाइक 100 rupees ओनली। सो लुक एट द क्वान्टिटी, दैट्स द क्वान्टिटी, दैट्स लाइक अ लॉट। यहाँ पे सारे टाइप के इंडियन मसाले हैं, रादर ज़्यादा टाइप के मसाले पड़े हुए हैं। मेरे पीछे देख रहे हो सारा मसाले की रेंज है, एंड शॉकिंग क्योंकि बाकी जगहों पे हमें ऐसा दिखा नहीं कहीं पे।